विधायक बंबर ठाकुर ने अवैध कटान को लेकर राज्य सरकार व वन विभाग पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि जिला बिलासपुर में जंगलों में अवैध कटान का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस कार्य में वन विभाग की ठेकेदारों के साथ मिलीभगत है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अवैध कटान मामले की न्यायिक जांच करवाए जाने की मांग की है और चेताया भी है कि यदि दो दिन के भीतर इस संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर न्यायिक जांच की मांग उठाई जाएगी। यहाँ बिलासपुर का जो हमारा रीजनल हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं CMO बिलासपुर से और MS से पूछना चाहूँगा कि आपने बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के, बिना किसी कागजातों के 3 भारतीय जनता पार्टी के दुकानदारों को अंदर OPD के पास जो है दुकानें अलॉट करने जा रहे हैं, तो इस पर मैं MS को और CMO को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहूँगा कि इसकी आप बकायदा अखबार में निकालिए, ऐड निकालिए, और ये दुकानें जो दवाई की दुकानें हैं जिनको अलॉट करना है, सरकार ने बनाई है उसको अलॉट करना है, तो उसके लिए कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अमल में लाएं। अन्यथा यदि आपने इन 3 लोगों को, अपने भारतीय जनता पार्टी के चमचों को यदि ये दुकानें आपने दी तो हमें वहाँ पर धरना देना पड़ेगा और CMO के दफ्तर के बाहर हम लगातार धरने पर बैठेंगे। क्योंकि वैसे भी मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि एक दुकान है वहाँ पे जो कागजों के तौर पे मिल सकती है, जो इसकी है RKS की, वो एक दुकान मिल सकती है, तो आप 3 दुकानें जो है अस्पताल के कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे दे रहे हो, वो भी बिना कागजातों के। तो कानूनी प्रक्रिया अमल में लाएं, जो भी कोई रजिस्टर्ड फर्म है उसको मिले, उसकी नीलामी हो। ये घपड़ेबाजी, ये चोर बाजारी जो आपने अंदर अस्पताल के अंदर चलाई है, इसको बंद करना पड़ेगा। और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अस्पताल के अंदर इस प्रकार की जो घोटालेबाजी हो रही है इसके ऊपर तुरंत अंकुश लगाया जाए। ये नहीं हो सकता कि जो JP नड्डा के आदमी हैं और सुभाष ठाकुर के आदमी हैं उनके लिए बिना किसी कागजातों के जो है उनको आप जो है वो दुकानें अलॉट कर दें, उनको रातों रात आप करोड़पति बनाने का काम करें, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र चंबा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।